डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरु गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के साथ। आपका नाम बड़ा लंबा है और मैंने ये देखा है कि आपके जो गुरु थे और फिर उनके जो गुरु थे उनके साथ कुछ ना कुछ एक ऐसा विशेष जुड़ा हुआ है जो उनके नाम को एक तो याद रखने में बड़ा मुश्किल कर देता है, लंबा कर देता है जी जी, और वो अलग कर देता है दूसरों से। पहले तो मैं चाहता हूँ आप दोनों नाम बता दें हमारे दर्शकों को भी, और उसके साथ कुछ कहानी है तो वो भी जरूर बताएं। हमारे जो पहले गुरु हुए शाह मस्ताना जी महाराज बलूचिस्तानी हुए, और दूसरे शास्त्रनाम जी महाराज वो यहीं से थे। मैंने पढ़ा बेपरवाह मस्ताना जी महाराज। जी जी वो हाँ, वो अलग अलग लोग सात संगत लिख देती है, बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, साई मस्ताना जी महाराज जी, तो वो बलूचिस्तान से थे। हमने ब्रेक लिया आपके गीत के साथ और आप एक और गीत गुनगुना रहे थे जो आप कह रहे थे कि आपकी काफी पसंद का, हम चाहते हैं वो गाना भी आप जरूर सुनाएं हमारे दर्शकों। वो गाना हमने भगवान के लिए गाया कि एक आत्मा बन के भगवान को कह रहे हैं कि तू मेरा क्या है। मेरी सांस हो तुम, धड़कन भी तुम, जिंदगी जान हो तुम, मेरा जीना तेरे लिए है, तेरे से है जीना मेरा, मेरा जीना तेरे से है जीना मेरा, ग्वारा नहीं तेरे बिना, सांसों का आना जाना मेरा, मेरे सांस हो तुम, धड़कन भी तुम, जिंदगी जान हो तुम। लोग रॉकस्टार गुरु नहीं कहते आपको? बहुत नाम देते हैं क्योंकि धर्म गुरु तो गीत सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं, आप रॉक सुनाते हैं, तो इसकी कुछ खास वजह है? जी रोहित जी, हमने लगा, हमने भजन गाए शुरू में और जो हमारे पुरातन टाइप के थे उस टाइप के, तो आज के यूथ ने सुनना बंद कर दिया तो हमें लगा कि यूथ जो चाहता है परोसना तो हमने भगवान के नाम की कुनैन को है, क्यों ना शुगर कोटेड कर दें। मैंने आपका एक गाना बहुत सुना, टीवी पर काफी चलता था वो, लव चार्जर बाबा, वो हम चाहते हैं, लोगों ने शायद उसके बाद आपको लव चार्जर गुरु कहना शुरू किया। जी जी, तो हम चाहते हैं वो भी गाना आप जरूर सुनाए एक बार जी, उसकी दो लाइनें हमारे ख्याल में शायद आ जाएं। वो भी हम भगवान को कह रहे हैं कि तू लव चार्जर है, हर के अच्छा लव तू ही देता है, दुनिया में सब स्वार्थी हैं। यू आर द लव चार्जर, यू आर द लव चार्जर, यू आर द लव चार्जर, आई एम लकी गॉड, यू आर माइन, ओ लव चार्जर, यू आर द लव चार्जर, यू आर द लव चार्जर। लोग कहेंगे आपसे स्टेज कॉन्सर्ट कीजिए रॉक के, तो आप करेंगे कि नहीं? अगर भगवान के नाम के कहेंगे तो हम हर जगह जाके करेंगे। मैंने पहले भी आपसे पूछा कि धर्म गुरुओं को लेकर हमारे समाज में एक खाका बना हुआ। जी जी, लोगों को जैसे ही शब्द कहा जाए धर्म गुरु तो वो जीन्स टी शर्ट वो सब नहीं सोचता। जी जी, वो धर्म गुरु को धर्म गुरु की तरह ही सोचता है। जी जी, लेकिन आप पहले भी एक बार मुझे याद आ रहा है कुछ साल पहले अपने कपड़ों की वजह से चर्चा में भी रहते थे और विवाद में भी आ गए, खास तौर पे तब जब कि एक तस्वीर आपकी छप गई जिसमें लोगों ने कहा कि आपने गुरु गोविंद सिंह को इमिटेट करने की कोशिश की या खुद को गुरु गोविंद सिंह की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की, उसका सच क्या था? उन कपड़ों का सच ये था कि उसमें हमने गुरुजी की तरह कुछ भी नहीं पहना, जो मुगल बादशाह पहना करते थे चूड़ीदार पजामी, ऊपर से फ्राक था, ये एक बेल्ट था, वो नहीं था जो गुरुजी बांधते थे, और ना ही कोई हमारे हाथ में वो बाज था, ना घोड़े पे सवार थे, जो भी था वो एक मुगल बादशाह का थीम था और किसी ने हमें दिया था, और ये हम 92 से पहनते आ रहे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, कभी कोई नहीं बोला। लेकिन अगर आप समाज के चौकीदार हैं जैसा आप खुद कह रहे थे, जी जी जी, अगर आप लोगों के बीच में से ही एक हैं और अगर आप लोगों को भगवान का रास्ता दिखाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि आप जब निकलते हैं अपने आश्रम से तो 10 गाड़ियों पर मैंने सुना त्रिपाल डलती है और फिर किसी एक में आप होते हैं? जी नहीं, जी नहीं, ऐसा नहीं था। दो या चार गाड़ियां होती हैं जो त्रिपाल के अंदर होती हैं, और वो भी सिक्योरिटी रीजन से, हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन जो हमारे साथ कमांडो हैं या ये लोग, ये कहते गुरु जी इस तरह से आपने डालना है कि किसी को पता ना चले आपकी इस गाड़ी में, क्योंकि हम पे अटैक हुआ था आरडीएक्स का, 2 kg आरडीएक्स धरती में इतना चला गया था रोड में, और गाड़ी का इंजन 100 फीट ऊपर चला गया था, तो ये तो भगवान की कृपा रही, किसी का बाल बांका नहीं हुआ, तो उसके बाद ये सिस्टम शुरू किया गया। कौन है आपके दुश्मन? वही जो बुराई से जुड़े हैं, जिनकी बुराइयों की दुकान है, नशेड़ी हैं। कभी भी हमने किसी को कहा नहीं
कि किसी एक राजनीतिक पार्टी को वोट दो या उसको दो, हमने एक ही बात लोगों को कही कि आप उनको वोट दो जो समाज में रह के समाज का भला करें। इस बार भी हमने ऐसे ही किया, एफिडेविट बनवा लिए और उस पर लिखवाया कन्या भ्रूण हत्या रोकोगे, आप शराबबंदी करोगे, मांसाहार बंद करवाओगे और देश को, हमारे देश को, हमारे इंडिया को लोग डर्टी इंडिया कहते हैं, हमारे देश से ये डर्टी शब्द हटा दोगे, तो ये हमने बोला। और जिन लोगों ने, हमने साथ संगत को ये बोला कि जो इस पे साइन करेंगे आप उनका साथ दें। तो किसने साइन किए, क्योंकि मिलने तो हमने सुना सब आए थे आपसे? जी जी, सभी पार्टियों के लोग आए थे, पर मेनली जो जिसने सबने साइन किए तो वो भाजपा थी। तो आप में और फिर उन लोगों में फर्क क्या रहा जो फतवे जारी करते हैं कि नहीं एक ही तरफ वोट डालना है सबको? जरा सोचिए हमारा क्या फतवा था, कन्या भ्रूण हत्या रोक दीजिए, किसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, हमारी बेटियों को मारा जा रहा है गर्भ में, कुत्ते नोच नोच के खाते हैं, क्या ये फतवा है? 2007 में पंजाब में कांग्रेस के लिए आपने लोगों से कहा वोट डालिए इनके लिए, उस वक्त उन्होंने लिख कर दिया था आपको यही सारी बातें? तब जो उनको बोला गया था, हमने नहीं कहा कि कांग्रेस को दें, हमने ये बोला कि भले काम जो कर सके, तो तब उन्होंने लिखा उनके लिए, तो लोगों ने बताया कि गुरुजी ये लोग लिख के दे रहे हैं, ये कर्म करेंगे, पर किसने किया उसके बाद हमें कुछ याद नहीं। हाँ, जैसी ये वाली चीज आई है तो मोदी जी, लोग हमें कहते हैं मोदी जी के फैन, नहीं हम समाज भलाई के फैन हैं। पर लोग कहते हैं कि क्योंकि आपने भांप लिया था, हवा चल रही है मोदी की, उनकी सरकार आने के संकेत हैं, आपको डर था कहीं ना कहीं सीबीआई का इस्तेमाल हो सकता है आपके खिलाफ, इसलिए आपने उनका साथ ले लिया पहले से? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। बरवाला में संत रामपाल के आश्रम में जो कुछ हुआ उसके बाद इस देश में संत समाज को लेकर, खासतौर पर उन संतों को लेकर या साधु धर्मगुरुओं को लेकर जिनकी एक फॉलोइंग है, जिनके साथ कुछ लोग जुड़े हैं, लोगों ने आंख टेढ़ी करनी शुरू कर दी, आपको बुरा लगा या आपको ये एहसास हुआ कि आपकी तरफ भी कोई टेढ़ी आंख से देखा? हमें बुरा ये लगता है कि जब कोई भगवान का नाम लेने वाला बुरे कर्म करता है तो वो गलत है, और किसी चीज के बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी करता है, कैसी आंख रखता है ये राम जाने, क्योंकि हमारा तो भगवान से वास्ता है, किसी और चीज से वास्ता नहीं है, ना तो हम कोई पैसा इकट्ठा करते हैं, ना कोई किसी धर्म के विरुद्ध बोलते हैं, क्योंकि सारे धर्मों को मानते हैं, इंसानियत को मानते हैं, ऊंची नीची जात पात को भी हम नहीं मानते कि हम सब एक हैं, भगवान एक। आपने तो रामपाल जैसी फौज नहीं बनाई। जी सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी भी हमने सोचा भी नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि रामपाल के बारे में भी किसी ने सोचा नहीं था जी, और जब अचानक वो वाकया हुआ तब लोगों को एहसास हुआ कि एक आश्रम की चारदीवारी के अंदर क्या कुछ नहीं हो सकता है, और जो बाहर किसी को पता भी नहीं लगता, पता तभी लगता है जब ऐसी कोई वारदात हो जाती है, ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है। जी जी, किसी के बारे में क्या कहें, लेकिन हमने इस बारे में कभी कुछ ऐसा सोचा नहीं। हमारे साथ जो कमांडो चलते हैं या कुछ लोग चलते हैं तो वो वही अटैक हमारे पे दो तीन हुए, एक हमारे पे ये आरडीएक्स का हुआ, फिर तलवारों से हमें घेर लिया गया एक जगह। अच्छा। हाँ, एक जगह राइफलों से ऐसा घेरा गया। अच्छा। तो उसके बाद ये लोग सेवादार होते हैं कुछ, और कुछ ये जो कमांडो सरकार ने हमें दिया वो साथ चलते। लेकिन क्यों ऐसा, ऐसा मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या किसी की आपसे कोई निजी दुश्मनी है, या किसी को आपसे कोई खतरा है, या आप किसी की फॉलोअरशिप छीन रहे हैं, क्या है? जैसे रोहित जी, हमने पहले भी आपको बताया कि मेनली हमें जो लग रहा है, एक तो है कि शराब, ड्रग माफिया, तंबाकू बंद करवाते हैं, हर तरह का नशा हम बंद करवाते हैं, तो जो इन नशे की दुकानों वाले हैं इनडायरेक्ट हैं, दिखने में नहीं आते, हो सकता है वो इनडायरेक्ट हो, आगे कोई और चला रहा हो, तो वो सब हमसे नाराज कि गुरु जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे आश्रम में एक भंडारा होता हमारे गुरु जी का 25 जनवरी, अब भी आने वाला है, तो उसमें संख्या बढ़ती जा रही है लोगों की, इस बार 2.5 करोड़ थे एक दिन में, तो लोगों को ये लगता है कि गुरुजी के पास इतनी जनता आ रही है, कहीं ये राजा ना बन के बैठ जाए, जबकि हमने हर किसी को बोला, आपके माध्यम से भी सबको बता रहे हैं कि हमने बचपन से भी कभी भी राजनीति में कदम ना रखा, ना रखने का कोई ख्याल है। लेकिन किंग होना और किंग मेकर होना दो अलग अलग बातें ना, आप किंग नहीं होना चाहते, किंग मेकर तो है? नहीं, ऐसा हम नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि कई लोगों ने पूछा गुरुजी धर्म और राजनीति का क्या तालमेल होना चाहिए, तो हमें लगता है कि राजनीति जो है अगर धर्म के अनुसार चले तो हमारे देश तो क्या पूरी दुनिया से झगड़े खत्म हो सकते हैं। रामपाल जैसे वाक्यों के बाद आपके फॉलोअर्स, आपके जो भक्त हैं, आपसे सवाल नहीं करते? कभी भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा।
क्योंकि खुली किताब की तरह है, हर कोई आता है हमसे बात करता है, आप चलते चलते कभी भी अचानक देख ले, हमें कुछ नहीं होता ऐसा। चाहे जब लोग साथ में कितने भी चलते हैं, अगर कोई भी बीमार बैठा है, कोई भी दुखिया है, कोई रो रहा है, हम उसके पास जाएंगे ही जाएंगे। हालांकि जो कमांडो लोग हैं या ये रोकते हैं, गुरु जी ऐसे नहीं जाना चाहिए, डेंजर है, पर आज तक वो हमारी फितरत रही कि हमारा दिल खुद का तड़पने लग जाता है कि रो क्यों रहा है, कि अगर हम इसका कोई सोल्यूशन कर सकें भगवान से प्रार्थना करके तो इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन अगर आपका जीवन और आपकी सोच इतनी सरल और इतनी सीधी है, जैसी मैं आपसे बातें करके जान रहा हूँ इतनी देर से, जी जी, तो आपके ऊपर पत्रकार की हत्या जैसे संगीन आरोप क्यों लगे? वही चीज़ जो ये लोग इन चीज़ों से डरते हैं, जो बुराई के नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये सब किया। आश्रम में ये मशहूर है, आप किसी से पूछ लीजिए सत्संगियों से, कि कोबरा निकलते हैं वहाँ। जब से 1948 से आश्रम बना है, गुरु जी ने वचन किया था कि इनको पकड़ो और छोड़ दो जंगल में, अगर घर में आता है आपको कुछ नहीं कहेगा और आप इसको कुछ मत कहना। 1948 से आज तक शायद सैकड़ों हजारों कोबरा पकड़ पकड़ के हम लोगों ने छोड़े हैं, अब भी छोड़े जा रहे हैं। उनको कहते हैं 20 लीटर की बोतल में डालते हैं, ढक्कन बंद किया, अगर किसी के घर में आ गया तो पकड़ते हैं, तो उसको जंगल में छोड़ाते हैं। तो ये हुक्म है कि किसी के ऊपर ऐसे ही नहीं, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते किसी को मारने की, और मारना तो बहुत दूर की बात है। चलिए अभी हम एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आएंगे तो इस सवाल पर आपसे जरूर बात करेंगे कि देश में जितने भी धर्मगुरु इस वक्त हैं, जिनके आश्रम हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं, उसमें सबसे युवा आप दिखते हैं, सलमान खान की उम्र के हैं जी, 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 जी। उसके साथ उम्र का कितना ताल्लुक है जो आप आश्रम चला रहे हैं या जो आप काम कर रहे हैं, और लोगों को कितना कन्विंस करना आसान या मुश्किल होता है? लेकिन ब्रेक से पहले आप एक गीत सुना दीजिए जो आपको याद आ रहा हो। इसी जो फिल्म है आने वाली, उसमें एक सॉन्ग है जो हमें बहुत पसंद है और खासकर यूथ को बेहद पसंद है। दारू को गोली मारो साली को जला डालो, एक गोली मारो साली को जला डालो, मां संडे को गड्ढे में साड़ो, जीवों को ना मारो अंदर से शैतान निकालो, जीवों को ना मारो अंदर से शैतान निकालो। सामने घी दूध मक्खन पड़ा है, ऐसे ऐसे करने से पावर नहीं आती, हम उसको उठा के खाएंगे, स्वाद भी आएगा और पावर भी आएगी। आप लोगों को मिला सकते हैं भगवान से, एहसास करा सकते हैं उस चीज का? ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे मैं पलक खोलूं मेरी आंखों में बसेरे अल्लाह राम, कैसे मैं पलक खोलूं। जैसा हमने आपको बताया, हम देश के पहले रॉकस्टार धर्मगुरु के साथ आज खास मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। मैं फिर से एक गाना चाहता हूं आप हमारे दर्शकों के लिए सुना दें। जी, तो इसी फिल्म में एक सॉन्ग है जो इंग्लिश में हमने गाया है, तो कोशिश करते कि वही आपको सुनाएं। आई फॉरगेट यू नेवर एवर, आई फॉरगेट यू नेवर एवर, विदाउट यू माय लाइफ नेवर एवर, विदाउट यू माय लाइफ नेवर एवर, यू आर माइन फॉरएवर फॉरएवर। आपने फिल्म का नाम रखा मैसेंजर ऑफ गॉड। जी, तो ये मैसेंजर ऑफ गॉड कौन, आप हैं? हमने जो फिल्म का नाम रखा वो था MSG, द मैसेंजर ऑफ गॉड। जी, तो मेनली जो MSG है वो गुरुजी के नाम पे है, और उन्होंने हमें बोला था कि हम आपके रूप में काम करेंगे, तो वो नाम रखा मैसेंजर ऑफ गॉड, एक मैसेज देने वाला भगवान का, तो उसी के रूप में हम सामने आए। अच्छा, तो मैं मान के चलूं कि फिल्म के हीरो आप हैं? जी जी। हीरोइन कौन है? हीरोइन जैसे कोई दुनियादारी में होती उस तरह तो नहीं है, जैसे तीन लड़कियां काम करें जो तीनों हमारी बेटियां हैं। अच्छा जी जी। तो ये आपकी रियल लाइफ स्टोरी है या कुछ और? बहुत हद तक रियल है, पर कुछ स्टंट वगैरह ऐसे भी हैं जो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आप स्टंटमैन भी खुद हैं, स्टंट डायरेक्टर भी खुद हैं, फिल्म के हीरो भी खुद हैं, फिल्म के डायरेक्टर भी खुद हैं, आप बाकी सारे जितने भी काम होते हैं वो सारे काम आप खुद गाइड करते हैं आगे रहकर, ये लीड फ्रॉम दी फ्रंट कहाँ से आ रहा है, इस ताकत के पीछे क्या है, क्या राज क्या है? जी जी, वाकई ये सच है जो आपने बोला, ये सब हमें जो लग रहा है कि हम तो एक नॉर्मल इंसान हैं, पर जब भगवान का नाम लेते हैं तो वो पावर अंदर से काम करती है उस ईश्वर की, तो उसी से ये सब संभव है। इट्स नॉट अ जोक टू किल हिम, उनको मारने का मतलब पूरे हिंदुस्तान से पंगा लेने के बराबर है। ये रूबरू नाइट गुरुजी की आखिरी रूबरू नाइट है। हमें मारना अपने आप को मारने के बराबर है। आपने हाथ में ये पहना है जिसपे MSG लिखा है? जी जी। ये फिल्म के प्रमोशन के लिए या वैसे पहनते? नहीं, हम हमेशा ही पहनते हैं, कभी ये पहनते हैं कभी MSG, गुरुजी के नाम से ही हम ये पहनते हैं। आपको मालूम है ना कि एक और हीरो है फिल्म इंडस्ट्री में, सलमान खान जी, वो भी ऐसा ही नीले रंग का एक पहनते हैं। अच्छा अच्छा, हम तो हमेशा से पहनते हैं, और रेड कलर का होता है। फिल्म के प्रमोशन के लिए वो बांटते भी हैं।
अच्छा, हमने ऐसा शुरू नहीं किया। तो आप इसको आइडिया की तरह ले सकते हैं वैसे। जी जी, नहीं आपने आइडिया दिया तो बताएंगे सबको। सलमान खान का जिक्र आया तो वैसे मैंने ब्रेक के पहले जो बात कही थी मैं वापस उस पर लाता हूँ। देश के तमाम धर्मगुरुओं पर नजर डालता हूँ तो आप उनमें सबसे यंग, सबसे युवा धर्मगुरु नजर आते हैं मुझे। सलमान खान की उम्र के हैं शायद आप, 1967 में आपका जन्म है। जी जी। तो इतनी कम उम्र में एक धर्मगुरु होना, और दूसरी बात कि उसके अलावा इतनी सारी चीजें जो आप दावा कर रहे हैं कि आप करते हैं, ये सब संभलता कैसे है, इसकी ताकत कहाँ से आती है? जो आपने बोला कि यंग नजर आते हैं, ये हम एक ही चीज मानते हैं कि भगवान की कृपा है, उसके बिना ये संभव नहीं हो पाता। हम 23 साल के थे जब गुरुजी ने हमें गुरुगद्दी पे बिठाया था जी। तो उसके बाद हमने सत्संग की, हजारों सत्संग एक दिन में 3 करते थे, जंगलों में रुका करते थे, एक टेंट लगाते थे हम लोग और उसी में रुकते थे। तो उसके बाद जैसे जैसे चलता गया तो फिर गाने का ये शुरू हुआ। कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ना गाने का कभी सीखा है, ना हारमोनियम पे हम ट्यून बनाते हैं। अब चल रहे हैं आपके साथ साथ, चलते चलते कुछ ट्यून दिमाग में आ गई तो बना देते हैं और उसको रिकॉर्ड में कर लेते हैं, फटाफट रिकॉर्डर होता है साथ। तो ये सब हम जो मानते हैं गुरुजी की कृपा है और भगवान की कृपा, एक ही बात। भगवान का नाम तो शायद मैं भी लेता हूँ अपने घर पे कुछ। जी जी जी, सब लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे संस्कार में है वो चीज़, किसी ना किसी तरीके से भगवान का नाम लेते हैं जी। वो भगवान से उस तरीके से क्यों नहीं जुड़ पाते जिस तरीके से आप दावा करते हैं कि आप जुड़े हैं? भगवान का जब नाम लेने बैठते हैं, हमने सभी धर्मों की स्टडी की, शास्त्र राम जी महाराज गुरु जी ने हमें बताया कि जब ध्यान में बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, तब सिर्फ भगवान का ध्यान होना चाहिए। ध्यान में हम बैठते हैं भगवान के, लेकिन सारे दिशाओं में घूम जाते हैं। कभी हमारा दुकान में ध्यान चला गया, कभी हमारा किसी स्कूल में ध्यान चला गया, कभी कहीं तो कभी कहीं। आप लोगों को मिला सकते हैं भगवान से, एहसास करा सकते हैं उस चीज का? ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे परस तो एक मंत्र है, गुरु मंत्र, जिसे गुरु मंत्र इसलिए कहा जाता है कि जो गुरु ने खुद जाप किया हो, वो गुरु का मंत्र नहीं, भगवान के वो शब्द जो गुरु ने खुद जाप किए हो उसे गुरु मंत्र कहते हैं। लेकिन गुरु मंत्र तो हमारे देश में है ना कि हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, हर धर्म में अलग बाबा रहते हैं, अलग धर्म गुरु होते हैं, उनके अपने अलग डेरे होते हैं और वो सब अपने अपने तरीके से बांटते हैं। सच किसको माने, झूठ किसको माने, भरोसा कैसे करें लोगों? हमें लगता है आजमाना चाहिए। आप गुरु मंत्र लीजिए और आपसे कोई पैसा नहीं, कोई धर्म नहीं बदलना, कोई भाषा नहीं बदलनी, आप उसका जाप कीजिए। क्योंकि सामने घी दूध मक्खन पड़ा है, ऐसे ऐसे करने से पावर नहीं आती, हम उसको उठा के खाएंगे, स्वाद भी आएगा और पावर भी आएगी। तो ऐसे गुरु मंत्र है, अगर उसका जाप करेंगे, हम उसके लिए टाइम देंगे, तो यकीनन आपको रिजल्ट सामने आएगा। चलिए हम आपसे बातचीत पर विराम लगाएं, आपसे इजाजत लें, उसके पहले मैं चाहता हूं एक गीत आप और जरूर सुना दें। आपने इसी काफी गीत सुन लिए, आप फिर भी कोशिश करते हैं। मेरी आंखों में बसे हैं भगवान, कैसे मैं पलक खोलूं, कैसे मैं पलक खोलूं, डर लगे मेरे पिया न जाएं, डर लगे मोरे राम न जाएं, छोड़ के मोरा धाम, कैसे मैं पलक खोलूं, मेरी आंखों में बसे रे अल्लाह राम, कैसे मैं पलक खोलूं, कैसे मैं पलक खोलूं। चलिए गुरुजी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि अब आप उस गलाकाट प्रतियोगिता का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसमें कि आप पहले नहीं थे। बॉलीवुड में आप मैं कहूँ किस्मत आजमा रहे हैं तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, लेकिन आप लोगों को मैसेज देने के मकसद से ही सही। जी जी। लेकिन एक फिल्म लेकर आ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मुझे लगता है अब तक आप ऐसे रहते थे, आशीर्वाद देते थे। जी जी। तो अब जब आप इस नए जमाने के लोगों के बीच में जा रहे हैं, नए तरीके से आ रहे हैं, तो फिर उस नए तरीके से शुभकामनाएं भी स्वीकार करें। जी रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ के साथ बात करने के लिए और लोगों के सामने खुलकर अपनी बात रखने के लिए और उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए जो बहुत साल से शायद लोग आपसे पूछना चाहते थे। जी जी। लेकिन कभी आप किसी ऐसे मंच पर आए नहीं जहां उन सारे सवालों का जवाब मिले। जी, बहुत धन्यवाद। और जी टीवी को भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं कि वो दुनिया तक बहुत अच्छी चीजें पहुंचाते हैं हमेशा, और आगे भी पहुंचाते रहें ताकि समाज जाग जाए। आशीर्वाद।